सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतगुर की जिसनू मत आवे सो सतगुर माहेस मना। ए वाणी जो जीओ जाने तिस अंतर रवे हर नामा। वाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख हुए, एह वाणी महापुरख की निज घर वास हुए। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन मन पर तख गुरु निस्तारे। गुरबाणी कह सेवक जन मन पर तख गुरु निस्तारे। कानड़ा महला पंजवा, घर दसवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो दान देहो जी संत हो, जात जियो बलहार, मान मोही पंच दोही उर्ज निकट बसयो, ताकी शरण साधुआ दूत संग निवार। ऐसो दान देहो जी संतो, जात जियो बलहार, मान मोही पंच दोही उर्ज निकट बसयो, ताकी शरण साधुआ दूत संग निवार। रहाओ कोट जन्म जोन परमेओ, हार परयो द्वार, कृपा गोबिंद भई मिलो नाम आधार, दुर्लभ जन्म सफल नानक भव उतार पार। कृपा गोबिंद भई मिलो नाम आधार, दुर्लभ जन्म सफल नानक भव उतार पार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही लड़ीवार गुरु शब्द दी विचार आप जी ने सरवण करा रहे हैं। अति सत्कार योग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी, हैड ग्रंथी साहिब गुरुद्वारा बंगला साहिब, उन्होंने पासों पावन शब्द की विचार
बड़े प्यार नाल सरवण करो जी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उन्होंने ही स्थान गुरद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर विखे 24 जून को मनाया जा रहा है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की बरसी 28 जून को है। इन्हां सारिया ही इतिहासक दिहाड़ियां विच आप घरां विच ही बैठ के वध तों वध बाणी पढ़ के सिमरन करके दिहाड़ी मनाउण दा घरां विच बह के उपराला करना जी। आस बेनती प्रवान करोगे, आओ अगले समय लई गुरु शब्द दी विचार नाल जुड़ना करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। प्रसाद बेशुमार अथा अगणित अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाईयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरद्वारा बंगला साहिब जी दी यात्रा करदे हां। जुगो जुग अटल शतर चवर तखत दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे नियम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक वार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। ये पावन शब्द जिसका पाठ
आप जी ने गुरु के वजीर भाई परमजीत सिंह जी होरां पासों सरवण कीता है। एक कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1307 अंग ते दर्ज है। बाणी गुरु है, गुरु बाणी है, सारी बाणी दे विच अमृत है, आत्मक जीवन देन वाला जल है। बाणी साड़ी मनुखां दी जीवन जाच है, जीवन बाणी ही साड़ा मार्ग दर्शक है। सिख वास्ते हुक्म है कि जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। जो गुरु पातशाह महाराज कहंदे ने, जो सतगुरु जी आदेश संदेश दिंदे ने, असी उन्हां नूं अपने जीवन वास्ते भला करके मनीए, उस नूं अपने जीवन दे विच सत करके कबूलीए। जिहड़ी शहादत गुरु अर्जन देव पिता महाराज ने तत्ती तवी ते बैठ के दित्ती है, पिछले दिनां विच भी जदों शहीदी गुरपुरब सी गुरु साहब दा, उदों भी आपां ने इस गल नूं दृढ़ करन दा जतन कीता सी कि उह जिहड़े कारण गुरु दी शहादत दे बने हन, पहलां उहनां नूं समझण दी लोड़ है। गुरु साहब की शहादत नू केवल चंदू की धी दे रिश्ते तक सीमित कर देना, जिथे साड़ी अज्ञानता साड़ा अवेक होएगा, उथे पातशाह महाराज की उस महान महान शहादत का अनादर भी होएगा। सच्चे पातशाह जी ने कीता की है? जे भगत बाणी विच आ सकदा है कि कौन अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कि दसो ते सही। इस 92 साल दे भगत कबीर दा कसूर की है, अपराध की है? कि एदी गठड़ी बन के जिवें समान चादर विच रख के चादर दी गंढ बन ली जांदी सी, जदों बोरियां नहीं हुंदियां सी, अटैची नहीं हुंदे सी, बैग नहीं हुंदे सी, पैकिंग दियां नवियां नवियां ये चीजा नहीं हुंदियां सी भाई, उदों समान एक थां तो दूजी थां ते लैके जाण वास्ते गठां बन लईआं जांदियां सी। भगत कबीर जी दी भी गंढ बन ली गई एक चादर दे विच, पोटली दी तरह बन लिया गया।
फिर हाथी दे अगे सुट दिता गया। हुण सतगुरु की बाणी विच दर्ज है भी इस 92 साल दे इस बजुर्ग कबीर दा कसूर की है। जहांगीर जिस गुरु अर्जन देव पिता महाराज नूं पट कहण कि ये प्रतख हर है, ये तां प्रगट रूप दे विच ये साक्षात बैठा होया रब है। भई तू उन्हें तत्ती तवी ते क्यों बिठाया, तू इन्हां नूं तत्ती तवी ते बिठा के तत्ता रेता सीस विच क्यों पाया, पुछया पुछना चाहिए भी कसूर की है, दोष की है, इन्हां ने कीता की है। कीता ते यही है ना कि पिता जी दे ज्योति जोत समाउण तों बाद जिहड़ा सुधा सर सी इहनू कहिंदे ने अमृत सरोवर, हुण हर गल तों असीं झगड़ा करदे आ। मैं बहुत वारी बेनती कीती कि अमृत साडे विच जिहड़ा पंज प्यारे दात बख्शदे ने उह वी है, असीं उस नूं वी अमृत कहिंदे आ। फिर सारी बाणी दे विच अमृत है, आत्मक जीवन देण वाला ज्ञान है, असीं उस ज्ञान नूं वी अमृत कहिंदे आ। और जिहड़ा सरोवर गुरु रामदास जी ने टक लाया सी, बनाउणा शुरू कीता सी, उहदा नां ही सुधा सर सी। सर कहिंदे ने सरोवर नूं, सुधा कहिंदे ने अमृत नूं। हुण उहनां मनुखां नूं की कहोगे जिन्हां ने फैसला ही कर लिया भी असीं कंध च सिर मारना है। मैं बड़ी अधीनगी नाल पुछना चाहुंना कि अमृतसर दे अर्थ की ने, अमृतसर दे अर्थ की डिस्ट्रिक्ट ने, एक सिटी ने, एक वड्डी आबादी वाला एक शहर। सच है कि उस अमृत सरोवर तो ही नगरी का नाम अमृतसर स्थापित होया है। हुण वैसे तुसी अमृतसर अमृतसर कहना है तुहानू नहीं बोलना पढ़ना आउंदा ते मुबारक है भाई, क्योंकि मैं वेख्या उत्थे चले जाओ तुसी बस अड्डे ते खलो जाओ ते वो अमृतसर अमृतसर ही करी जांदे ने। पर ये नगरी का नाम भी अमृतसर है ते नगरी का नाम बनिया सी अमृत सरोवर तो। सरोवर दे जल नूं भी अदब सन्मान दे नाल अमृत आख्या गया। 50 वारी असीं अपने घर रोटी खांदे आ कहने भी अज खीर खीर ते ऐ जिवें इहदे च अमृत घोलिया होवे। ये शब्द एक रिस्पेक्टेड शब्द भी है, सत्कारित शब्द भी है, साड़ी रोजमर्रा की जिंदगी विच बोलिया जाण वाला शब्द भी है। और जदों असी इसनों बाणी नाल जोड़ना है और खंडे बाटे की पौल चरण पौल दे नाल जोड़ना है तो ये शब्द की महानता बहुत वड्डी हो जाएगी। उदों ये शब्द के अर्थ होणगे कि सोर नार मोन जन अमृत खोज दे, देवते ऋषि मुनि अमृत लभदे ने भाई। कि नानक शब्द बंदियां दे नाल नहीं वरत्या गया। नानक सिंह बड़ा वड्डा नावलकार होया साडे विच। कि अमृता प्रीतम लखारी नहीं होई, उदे नां दे नाल अमृता लिखिया गया। अज किन्ने लोक ने जिहड़ा
हिंदुस्तान का पहला सिख जिन्हों चीफ मार्शल किया गया अर्जन सिंह की उहदा नाम अर्जन नहीं सी ते अर्जन का अर्थ गुरु अर्जन साहब किवें बना दोगे तुसी भाई। बड़े सारे लोग ने अज मेरे दो निकटवर्ती परिवार ने उन्हां दोवां दे बच्चों का नाम अर्जन है, एक का अर्जन सिंह है, एक का शायद अर्जन कुमार होएगा, वह हिंदू परिवार है। असी 24 घंटे वाल की खल उतारन लगे रहने कि बंगला साहब का जिहड़ा चुबच्चा है उहदे जल नूं अमृत किवें कह दिता, हद हो गई। किसी की बेटी का नाम अमृत हो सकता है। गुरुद्वारा सीसकंड साहब बहुत बख्शिया होया परिवार सी, सरदार गुरचरण सिंह ते भैण दा नां ही अमृत कौर सी। मां बाप ने एक इच्छा सोची होएगी, कामना कीती होएगी कि साड़ी धी दी जिंदगी जेड़ी है वो बिख वर्गी नहीं होनी चाहिए, यैर वर्गी नहीं होनी चाहिए, अमृत वर्गी होनी चाहिए। सो मैं भाई गुरसिखो तुहानू बेनती करदा, सवेरे उठ्या करो, पाठ करिया करो, इशनान करिया करो, नितनेम करिया करो, 24 घंटे लड़न दे घोड़े ते ना चढ़ के रिया करो। जे तुसी लड़ना भी है ना तो गुरु जी तो सिख लो, धन जियो तेह को जग मैं, मुख ते हार चित मैं युद्ध विचार, मूँह तो बाणी पढ़िया करो ते अपने हिरदे विच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इहदे नाल युद्ध कर लिया करो। भाई दुनिया नूं ढाउण तुरे हो, तुसी रोज कह दिंदे हो जी मैं जदों बोलांगा तू बोलेगा अग वरेगी, तेरे मूँह तो अमृत नहीं निकल सकता, तू जदों बोलेगा माड़ा ही बोलेगा। लिखिया सतगुरु की बाणी च साकत का बकना इउं जानो जैसे पवन चलाई। साकतां दा बोलना पता किहो जिहा हुंदा, जिहो जिहा झखड़ हुंदा, हवा आवे तो मीह भी पै सकता है, हवा आवे तो लोगों नूं राहत मिल सकती है, हवा आवे तो तपश गर्मी घट सकती है। मैं तो खेतीबाड़ी करन वालिया दा पुत्तर हाँ, असी जदों नरमा बीजदे सी ते उड़ीकदे हुंदे सी भी एक दिशा की हवा आवे, जदों नरमे नूं फुल लग जांदे सी भी जे इधर दी हवा आवे तो फल बड़ा लगेगा। साडे बजुर्ग कहिंदे हुंदे सी अज पुत पुरे की हवा वग रही है, अज पछों की हवा वग रही है, उन्हां दे जिंदगी दे तजर्बे सन कि इस पासे दियां आईयां हवावां सुगंधियां जिहड़ियां ने वो बनस्पति का भी कुछ सवार सकदियां ने। पर मैं बेनती करा ये साकत रब तो टुटे हुए लोग इन्हां दे भेख वल ना जाना, जे भेख वल जावांगे तो फिर सच्चे सौदे वाले दे भी तो वाल किड्डे किड्डे सीगे, दाढ़ी किड्डी किड्डी सी, किड्डियां किड्डियां उहदियां मुछां सी, पुठियां छाला मारदा सी उह ते पुठे ही काम करता सी, अज वेख लो पुठी थां ते अगलिया ने पुठा करके रखिया होया। आपां गुरु दे सिख हाँ, आपां नूं हुक्म ही यह है कि सिखी सिखिया गुर विचार। यह मत सोचना कि सिखी अकादमिक अदारियां तो शुरू होई है, नहीं, वो अकादमिक अदारे प्रवान किए गए जिन्हों के विच सिखी पढ़ाई गई, जिन्हों विचों सिखी समझाई गई। सतगुरु की बाणी की पंक्ति जिहड़ी है ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने अपनी स्टैंप बना के किताबां ते लाई हुई है कि विद्या विचारी तां परउपकारी, नहीं तो तेरा जिनी तू पढ़ाई की है ना, तू कहें मैं 18, 10, 20 आता है तो फिर ये चेता रखी भी ये निरा ही हंकार है।
इस अहंकार दे विच बोलन नाल जे तू कवे कि किते अमृत वर्खा होएगी किसे दा भला होएगा, नहीं चखड़ चुले ते कदे किसे दा भला नहीं हुंदा। चखड़ दे चुलिया बने बनाए बदल उड़ जांदे ने। बदल की उड़दे ने? कईआं दीआं गरीबां दीआं छत्तां उड़ जांदीआं ने, कईआं दे कपड़े उड़ जांदे ने, कईआं दे घर दे चीज़ां समान असवाब उड़ जांदे ने। इत्थे बंगला साहब ना जदों जोड़ा घर की सेवा हो रही सी, उस वेले जिस परिवार ने बंगला साहब ये सारियां सेवावां कीतियां ने, सेंट्रल एसी दियां, सतगुरु दे पावन दरबार दियां, फाल सीलिंग दियां, उन्हां दा एक ठेकेदार सी निर्मल सिंह, उन्हां दा डायरैक्टर सी भुल्लर। मैं कहा जी पार्किंग दे उपर एक टैंपरेरी जोड़ा घर बना लईए आपां। भले समय उन्होंने 8.5 लाख रुपया खर्च किया। वो कहता जी इहदा बजट है 8.5 लाख। मैं कहा करना की है? जोड़े जोड़ा घर बनाउणा है टैंपरेरी, उत्ते एक शैड ही बनाउणा है ना। वो भुल्लर जी बड़े सियाने दानश्वर बंदे सन, कहते ज्ञानी जी फिर मैं तो नहीं बनावांगा, पब्लिक प्लेस है, अगर तेज हनेरी आई पतलियां पत्रियां ला के मैं इत्थे शैड पा दिया, तो जे किते वो तेज हवा ने शैड उड़ा लिया ना, तो कहिंदे उहदी एक एक पत्री ने छुरी दा कम करना, जिथे जिथे वजी जाएगी उथे उथे वढ के तो लैके तुरी जाएगी। अज भी तुसीं वेख सकदे हो बंगला साहब पार्किंग दे उपर शैड बने है, इन्ना हैवी ड्यूटी शैड है, कोई बहुता वड्डा नहीं है और उहदी कीमत बहुत है। वो कहण लगे नहीं, जिथे मनुखां दा बहुता आउणा जाणा होवे उत्थे कदे रिस्क नहीं लैणा चाहीदा। चखड़ कदे भी सुखदाई नहीं हो सकदा। ये चखड़ जिहड़े साडी जिंदगी विच आउंदे ने, ये हवावां चों नहीं आउंदे, ये साकत बंदियां दे बोलां चों आउंदे ने। तो सच्चे पातशाह महाराज ने अज भी गुरु अर्जन साहब ने साडा मार्ग दर्शन किया है। कानड़ा महला पंजवां घर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रब एक है, एक थां ते नहीं है, वो सारियां थावां ते है, वो गुरु की कृपा नाल मिलता है। सो मैं बेनती कर रहा सी कि वालां दी खल ना उतारो गुरसिखो, एक एक शब्द कई कई अर्थां दे विच प्राप्त हुंदा है। कई जगह इहो ही शब्द जिहड़े ने असी मनुखी शरीरां नाल भी जोड़े ने, इही अक्खर जिहड़े ने कई वारी असी खाण पीण वालियां वस्तां नाल भी जोड़े ने। इस करके हुण जिहड़ी भाई सत्ता राय ते बलवंड जी दी वार है, हुण उहदे विच शब्द आउंदा रस अमृत खीर घियाली। हुण उत्थे खीर दे नाल शब्द अमृत जोड़ दिता गया, हुण की करिए आपां? लड़िए वी किहदे तों गलती हो गई जी? अमृत सरोवर, अमृत खीर, ये शब्द ने। अमृत सार शहर का नाम अमृत है, होर दसो की करोगे? सतगुरु की बाणी च लिखे है लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर, अमृत सार सिफती का घर। हुण कौन कहेगा जी गुरु ग्रंथ साहब च नहीं लिखिया होया? इस करके भाई बंगला साहब का जेड़ा गुरु हरकृष्ण साहब महाराज का बख्शिया जल है, इनू अदब नाल कोई अमृत भी कवे तो सानू झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, हाथ जोड़ के बेनती करनी चाहिए है कि आपां जी इनू पवित्र जल कह लईए। अमृत शब्द जेड़ा सानू पंज प्यारे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच
सिखी धारण करने वास्ते जिहड़ी बख्शिश करदे ने आपां उस नूं अमृत कहीए। हाँ, ये गल प्रचारी जा सकती है, इस गल दे लई प्रेरिया जा सकदा है, इस गल दे लई सानूं सारिआं नूं कहना हो सकदा है भाई। तो इस करके अज भी सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज उपदेश करते ने, ऐसो दान देहो जी संतो, ऐ संत जनो मैनू एदां दा दान देओ कि जात जियो बलहार मैनू समझ आ गई है। गुरु की हजूरी में आके, प्रभु प्यारियां दी संगत में आके कि जीवन का प्रयोजन जेड़ा है वो नाम जपना है। मनुख बंदगी वास्ते रब ने पैदा किया सी, रब ने बंदे नू जबान दिती सी, ए वध घट बोलन वास्ते नहीं सी। जिहवा जपै ना नाम, तिल तिल कर कटी है। हुण बंदे सोचते ने भी शायद ये साड़ी पढ़ाई लिखाई की मुथाज है जबान पाई, कि सानू अपनी पढ़ाई प्रगट करन वास्ते ये सारा कुछ दिता गया है। हाँ, ये हालत हो गई बंदियां दी कि जेता पढ़िया तेता कढ़िया, जिन्ना पढ़िया सी उन्ना कढ़ गया, पर चाहिदा इस तो उल्ट सी भाई, कि सानू समझ आ जांदी धर्म दी दुनिया दे विच आके कि बंदे बंदगी इख्तियार कर, बंदे तू बंदगी जिचर घट विच सा, तेरी पने खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद खैर दीजै बंदगी। आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगे अन लालच, बिरथा जन्म प्राणी। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल। अज इस बंदे की हालत पुछो इनू, मैं जी उथे इन्ना चिर बैठदा, हो सकदा तेरे कोल होर बैठण लई थां ना होवे भाई, जरूर बैठदा होएगा, पर तू ये दस दे भी तू सवेरे किहड़े गुरद्वारे च किन्ना समा तू चौकड़ी मार के बैठदा, तू वो दस। कदे संगत विच बैठदा, इहदा मतलब तू सोदर दा पाठ नहीं करदा। जिदन सोदर दा पाठ करेगा तैनू गुरु जी बार बार समझाउणगे कि अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। संगत विच आ ते उस प्रभु परमात्मा की इबादत कर, उस प्रभु परमात्मा की सिफत कर। भगतां ने वेखो कैसा तरीका अपनाया, वो कहंदे ने मन मेरो गज जेवा मेरी काती, ते मप मप काटो जम की फांसी। उन्होंने काले लेख नहीं लिखे, उन्होंने इस जीबा का इस्तेमाल किया, जीबा की वरतों की, और इस जीबा दे नाल जमा दियां फाइयां कट लईयां उन्होंने। चाहिदा तो यह सी सवेरे उठ के कहंदे तुसी कि ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होरत कितै, जिचर हर रस पल्लै ना पाए, हर रस पाए पल्लै पिए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए। फिर तेरे जीवन चो तृष्णा मिट जानी सी। गुरु अर्जन दे पिता महाराज कहंदे ने, हे परमात्मा ऐसो दान देहो जी संतो, मैनू समझ आ गई, मैनू नाम चाहिए। फिर मैनू ये भी समझ आ गई कि जिथे नाम मिलदा गुरु कोलों है उथे जपिया ते भाई रब दे संतां विच ही बैठ के जा सकदा है।
रब दे प्यारियां विच ही बैठ के सिमरिया जा सकता। ये संत जना मिल पाई है, रसना नाम भना चेत गोविंद आराधी है, होवै आनंद घना। ये जात जियो बलहार, ए परमात्मा मैं परमात्मा दे नाम तो, परमात्मा तेरे नाम तो सदके जाना। इसे करके जेडे तेरे संत ने मैं उन्हां दे अगे बेनती करदा, क्योंकि संत जपावै नाम। मेरी तो रोज इको ही बेनती है कि ये कहना भी संत हुंदे नहीं ये पाप है, ये मन लैना भी इन्ने ही संत होंगे ने जिन्हें अज तुरे फिरते ने ये उस तो भी वड्डा पाप है। इन्ने संत नहीं होंगे। कहो नानक कोटन मैं कहू नारायण जिह चीत, करोड़ां दे विच विरले महापुरख होंगे ने भाई, पर जेड़े महापुरख होंगे ने उन्हां दी वड्याई एहो है कि संत जपावे नाम उपड़ियां बन के नहीं देंदे, वो तागे तवीत नहीं देंदे। तुसी जदों उन्हां कोल जाओगे वो तुहानू बाणी कहणगे बाणी पढ़ो, शब्द कहणगे शब्द पढ़ो, वो तुहानू लौंग लाचियां नहीं देणगे, तुहानू धूप बत्तियां अगरबत्तियां नहीं देणगे, तुहानू सवाह दियां पुड़ियां बन के नहीं देणगे, तुहानू तागे तवीत नहीं देणगे भाई। जिन्ना सास गिरास ना विसरे हर नामा, मन मंत तन से सही नानका, पूर्ण सोई संत। संत हुंदे ही ओने जेड़े परमेश्वर दी भगती बंदगी करदे ने। गुरु अर्जन दे पिता जी उपदेश करदे ने कि ऐसो दान देहो जी संतो, जात जीओ बलहार। मैं तुहाडे तो सदके जाना चाहना, ये मेरी जिंद इस नाम दी इस शक्ति तो भगती तो कुर्बान जांदी है। मान मोही पंच दोही, होया की है मान दे मोह ने, मान कहंदे ने हंकार, हंकार दे विच मतिया होया पंच दोही, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दा। दोही दा अर्थ एथे है ठगिया होया। उर्ज निकट बस्यो, हुण इहदे विच इह उलझ गया। जिहड़े अज बच्चे नशियां दे विच ग्रस्त हो गए ने, कि सानू पता है कदे उन्होंने ये नशे शौकिया तौर पर शुरू किए, शौकिया तौर पर हुक्का पी लिया, सिगरट पी ली, शराब पी ली, बीयर पी ली। हौली हौली की होया, वो नशा उन्होंने खून विच ब्लड विच शरीर विच वो दसदा तुरिया गया। जिन्ना को करदे सी उहदा नशा खत्म होना शुरू हो गया, असर करना हट गया, फिर उहदी डोज वधनी शुरू हो गई। एक साधारण आदमी जिहड़ा शौकिया तौर ते कदे नशा करदा सी वह फिर पक्के तौर ते अमली बन गया, समैकिया बन गया, ड्रगी बन गया, शराबी बन गया, लोकां ने ना ही उहदा रख दिता। हुण उहनूं घर दे भी रोकदे ने, समाज भी रोकदा है, कानून भी रोकदा है। हुण उह सारियां जंजीरां तोड़ के भी उत्थे जाके डुबदा मरदा, हटदा ही नहीं। ऐसे लोकां दीआं रोज खबरां सुणी दीआं ने भी जिन्हां ने अपनी अधोगति कराई, कहिंदे ज्ञानी जी अज भी उह बंदा उत्थे ही मिलेगा तुहानूं उत्थे नशे वालियां दे विचों, क्योंकि वह होया की है उर्ज निकट बस्यो। एक वेला हुंदा है जदों चीज़ नूं तुसी फड़दे हो, एक वेला हुंदा चीज़ मुड़ के तुहानूं फड़ लैंदी है। किसे वेले बंदे ने शराब फड़ी सी,
फिर एक वेला ऐसा आ गया भी शराब ने बंदा ऐसा फड़िया, छड़िया ही नहीं, उन्हें खा लिया, खत्म हो गया। किसे वेले बंदे ने ताश की डब्बी फड़ी, जुआ फड़िया, पर एक वेला ऐसा आया कि जुए ने ऐसा फड़िया। और ऐसे ऐसे बंदे जिहड़ी महाभारत है उहदे बड़े सबक ने, सीखण वाले ने। युधिष्ठिर तो फिर अर्जुन तो भीम तो एडे एडे महाबलियां तो वड्डे, जिन्हां दे बारे सनातन मत कहिंदे वी योधे ही नहीं होए धरती ते, ऐसे जुए ने फड़े, ऐसे जुए ने मत मारी कि वह पांच पांडव जेडे सी वो अपनी अर्धंगनी अपनी पत्नी जुए विच हार गए। इनू कहिंदे ने भी कदे बंदा शराब फड़दा है, कदे शराब बंदे नू फड़ लैंदी है, कदे बंदे ने जुआ फड़िया सी, मुड़ के जुए ने बंदे ऐसे फड़े कि वह अपना ईमान भी जुए विच हार गए। कदे बंदिया तो नशा शौकिया करदा सी, ते मुड़ के नशे ने ऐसा फड़िया कि उस नशे दे विचों दी घर ते जायदादां ते फैक्टरियां ते बच्चे परिवार पत्नी सब कुछ निकल गया। इस करके मान मोही पंच दोही, हंकार दे विच मस्त, पंजां दे विच ठगी होई, ये जीव आत्मा उर्ज निकट बसियो। हुण इहदा वासा ही उहनां दे नेड़े हो गया। अमली आदमी नूं तुसीं जदों लभणा होवे उह तुहानूं नशे वाली थां तों लभ जाएगा, हुक्के वाला हुक्के बार तों लभ जाएगा, शराब वाला ठेके तों लभ जाएगा, जुआरिया जुए दे अड्डे तों लभ जाएगा, समैकिया समैक वेचण वालियां दी गली चों लभ जाएगा तुहानूं भाई। ये उर्ज रहिंदे लोक ने ताकि शरण साधुआ दूत संग नवार, ताकि शरण। गुरु अर्जन देव पिता महाराज कहंदे ने कि हुण मैं साधुआं दी शरण तकी है, रब दे प्यारियां दी शरण तकी है, क्योंकि ये चीजा रब दे प्यारियां दे नेड़े नहीं जांदियां। ये जिहड़े विषय वकार ने, नशे वकार ने, जिहड़े ये काम क्रोध लोभ मोह हंकार ने, ये साधुआं कोल नहीं जांदे। इन्हां दा उत्थे काम ही कोई नहीं, इन्हां दी उत्थे थां ही नहीं है भाई। ये चीजां उत्थे जाके की करनगियां, क्योंकि उस साधु महात्मा ने सारा कुछ छड्ड दित्ता है। इस करके उन्हां दी संगत विच जिन्हां ने छड्डिया है, जिन्हां ने अपने आप नूं साधिया है, जिन्हां ने अपनियां वड्डियां साधना कीतियां ने, भाई उन्हां दे कोल जाके बेनती करिए, ताकि शरण इत्थे ताकि तो अर्थ है तकना, सहारा लैना, ओट लैनी, आसरा लैना। मैं हुण रब दे प्यारियां दी साधुआं दी शरण तकदा दूत संग निवार, कि परमात्मा मेरे ते किरपा कर। ये जेड़ा दूतां दा संग है, काम कोई छोटा जिहा दूत है, ये बंदे नूं वैश्या दे कोठे ते लै जांदा है। क्रोध कोई छोटा जिहा ये दूत है, ये रोज मनुख नूं झगड़िया दे विच, लड़ाइयां दे विच, बखेड़िया दे विच ये उलझा के रखदा है। ये मोह, ये हंकार, अज तुसी वेखो की हो रहा है। जिन्हां अज असी गल्लां सुणदे आ, ये हंकार टकरा रहा है। ये किसी का जपजी साहब नहीं टकरा रहा, दो जपजी साहब वाले बंदे मिलदे तो उन्होंने बह जाना सी, दो सुखमणी वाले मिलदे तो वह भी बह जाते, दो आसा की वार वाले बैठते वह भी मिलते तो आपस में बह जाते, दो रह रास वाले मिलते तो भी आपस में बह जाते। मैं सुने है, तुसी भी सुनिया होएगा,
कि एक आदमी दस रहा है दूजे के बारे, कहिंदा जी साड़ी आपस में सांझ है। जदों मैं सवेरे सीसगंज साहब जाना तो ये मेरे तो पहला आसा की वार दे विच बैठे होंदे ने। हुण आसा की वार वाले भी आपस में बह के सिर तो नहीं पाड़दे, वह अगे पिछे बैठ के दोवें सुन लैंदे ने। बड़े ने जिन्हां नूं पुछ लईए कहिंदे वह दसदे ने, ज्ञानी जी असीं बंगला साहब की अमृत वेले की संगत विचों आ, भाव जिहड़े सवेरे आके सुखमणी पढ़दे ने, जिहड़े सवेरे आके पंज बाणियां का पाठ करदे ने। कई इदां दे भी ने जिहड़े भी कहिंदे ने भी जदों तुसीं कथा करदे हो असीं उदे तुहाडे उत्थे बैठे हुंने आ। जिहड़ा टकराउंदा है वह हंकार है, ज्ञान नहीं टकराउंदा, हंकार टकराउंदा। कदे शुभ गुण नहीं टकराउंदे, शुभ गुणा की तो सांझ हुंदी है भाई, तुसीं वेख लिओ चंगयां नाल चंगे बंदे झट मिल जाते हैं भाई, समा ही नहीं लगता। विआह शादियां च मिले, किसी पार्टी फंक्शन विच मिले, तो एक दो मिनटां की सांझ जिंदगी दियां बहुत वड्डियां सांझां दा रूप धारण कर जांदी है। पर जिहड़े हंकारी लोग हुंदे ने उत्थे विआह शादी विच भी बस एक अंदरों बाहर निकल रहा है, दूजा गड्डी तो उतर रहा है, पता उदों लगता है जदों ठा 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 ये की होया, कहिंदे जी घसुन मुक्की हो गया। कौन सी? हंकारी सी। वो जे प्यार वाले हुंदे तो गड्डियां तो उतर के एक दूजे नूं जफ्फियां पाउंदे। अच्छा लै भाई भाजी, मैं तो सोचा भी नहीं सी कदे कि इत्थे भी आपां इस विआह ते भी आपां दोवें इकट्ठे होवांगे। वो फिर एक दूजे की बाह फड़ लै, चलते हैं भाजी आपां, कोई नहीं चले ही जाना है, घर ही जाना है ना, हुण अद्धी रात कित्थे जाना है, चलो आ जाओ, मैं आया हुण दो मिनट आपां इकट्ठे कॉफी का कप पी लैंदे आ। प्यार मिलदा है, हंकार नहीं मिलदा। तुहाडे शुभ गुण मिलणगे, तुहाडा हंकार कदे नहीं मिलेगा, ये टकराएगा। अज जिन्नी ये टशलबाजी है ये हंकार दी है भाई, ये जिन्नी तू तड़ाके सारी हंकार दी है। जिदन आपा प्रेम दे विच बैठांगे तो फिर की होएगा? गुरु का हुक्म है कि होए इकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिव लाए, कट्ठे होके बैठोगे सारिया दुबदा मिट जाणगियां, झट पता लग जाएगा कि भाई इत्थे मेरी गलत फहमी सी, इत्थे मेरा ज्ञान ठीक नहीं सीगा, इत्थे मेरी इनफॉर्मेशन ठीक नहीं सी, ये तुसी बहुत चंगा कीता, तुसी मैनू समझा दिता है, नहीं अगे तो मैं ध्यान रखांगा जी। प्यार तुहानू इधर लैके जांदा है, ज्ञान तुहानू इधर लैके जांदा है। गुरु अर्जन देव पिता महाराज समझाउंदे ने कि मान मोही पंच दोही उर्ज निकट बसेओ, ताकि शरण साधुआं दूत संग नवार। हुण मैं साधुआं दी संगत तकी है, उन्हां दा आसरा लिया है कि हो सकदा है मैनूं पंजां तों बचा लैण, इन्हां दूतां तों मेरा खहिड़ा छड़ा देण, मैं इन्हां दूतां तों बच जावां, क्योंकि उन्हां दी जिंदगी दी एक प्राप्ति है। उन्होंने काम नूं वस कीता, क्रोध नूं वस कीता, लोभ नूं वस कीता, मोह नूं वस कीता, हंकार नूं वस कीता। साधना तो यही करनी, होर का दी साधना करनी है? होर साधना जो जोगे वाली थोड़ा करनी है। जोगे दी साधना जेड़ी है वो सिर्फ तुहाडी सेहत नूं ठीक कर सकती है, तुहाडे अंदर दी हालत नूं ठीक नहीं कर सकती। ये मत सोचना कि कोई बहुत वड्डा जोगी होएगा, जोग साधनावां करन वाला। इत्थे बंगला साहब दे पिछले बन्ने एक बड़ा वड्डा योगा दा एक केंद्र है, और जिहदे नां ते है जिन्हें बनाया है उहदियां तुसीं कथा पढ़ लिओ भी उहने किहड़ी चीज़ दा योगा कीता सी। उहने योगा कीता सी लत्तां पैरां दा, बाहवां हत्थां दा, कदे उन्हें आत्मा का योगा किया हों तो वह कहानियां थोड़ा बननिया सी जिहड़ियां दुनिया सुनाउंदी है। जिहड़ा सिख धर्म का योगा है ना,
जिहड़ी सिक्खी दी योग साधना है वो अंदर दी है। इत्थे गुरु दे कोल बैठ के तुसी अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नूं साधना सी, तुसी निंदिया चुगली इहदी साधना करनी सी वी इहनां तों किवें बचिया जा सकदा, इहनां बुराइयां तों किवें मुक्त होया जा सकदा। पर इह तां ताकि शरण साधुआं दूत संग निवार रहाओ, कोट जन्म जोन भ्रम्यो परमात्मा मैं 84 लख जूना भोगिया ने, 84 लख जूना भोगण वास्ते मैनू करोड़ा वारी जन्म धारण करना पिया, हार परयो द्वार अखीर मैं हार गया, मैं थक गया, मेरी बस हो गई है, हुण मैं तुहाडी शरण विच आ गया, मैं तुहाडे दर ते टह पिया, नहीं मैं होर नहीं भटक सकता, होर मैं इधर उधर अपनी खुआरी नहीं करा सकता, मेरी हिम्मत टुट गई है, असी भज भज के थक जाने, खटदे कमाउंदे भी थक जाने, असी अपने इलाज कराउंदे भी थक जाने, असी अपने घर परिवार नूं चलाउंदे चलाउंदे भी थक जाने, फिर आप की कहने हैं, नहीं हुण मैं ये सब कुछ छड़ दिता है, हुण अगों आपे परिवार संभाले, आपे करतार संभाले, परमेश्वर आपे संभाल करे। सो इस कथा नूं जदों अज तुसी सुनना है तो इस गल का ध्यान रखना कि गल शुरू इत्थों होई है कि जीवन का प्रयोजन सी नाम सिमरन करना, जदों समझ आ गई तो फिर यह भी पता लग गया कि इस नाम सिमरन दे विच वादा प्रभु दे प्यारियां दे राही हो सकता है, होर कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि असी तां माण दे मोह विच मस्ती विच वकारां दी ठगी विच ऐसे उलझे हैं, निकल ही नहीं पाते। थोड़ा बहुता सवेरे मत्था टेकीदा है, थोड़ी बहुती सेवा करी दी है, थोड़ा बहुता गुरु दे चरणा विच बहण दा जतन करी दा है, ते वापरदा की है? अवर पंच हम एक जना, क्यों राखो घर बार मना, मारें लूटें नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना। थोड़ा जिहा जपजी पढ़िया, थोड़ी जी सेवा कीती, थोड़े जे जोड़े झाड़े, थोड़ा जिहा लंगर पकाया, थोड़ा जिहा झाड़ू मारिया, पर अवर पंच हम एक जना, मैं कला बंदा की करदा? वह पांच जने ने, पंजे ठग ने, इन्नी ठगी जग ठगिया, वो बंदिया तू की है? तेरे तो वड़े वड़े ठगे ने, इन्होंने वड़े वड़े बंदिया नाल धोखे होए ने। ये जिहड़ियां सनातन मत दियां बहुत सारियां कथा ने वो इहो ही ने, विश्वामित्र वर्गे ठगे गए, इंद्र वर्गियां नाल ठगियां हो गई, इंद्र देवते वर्गे आप लोगों नूं जाके ठगदे रहे। चंगे भले भगती विच बैठे बंदे ठग लै गए, अपछरा भेज दित्तियां गईयां, नाच गाने सुना दिते गए, भगती तोड़ दिती गई, समाधि खंडित कर दिती गई। ये गल्लां वापर सकदियां ने, ये गल्लां वापरदियां ने, ये गल्लां होईयां बीतियां ने। तो इस करके सतगुरु पिता महाराज समझाते ने, कोट जन्म जोन भ्रम्यो, करोड़ा जन्म जेड़े ने जूनिया दे विच भटकदिया बतीत हो गए, हार परयो द्वार, मैं हार चुका, हुण मैं तेरे दर ते आके टह पिया, मेरी बस हो गई है, होर मेरे विच हिम्मत नहीं कि मैं ट्रैवल कर सकां, मैं सफर कर सकां, मैं होर अगे तुर सकां, नहीं दाता मेरी हुण हिम्मत नहीं है, हुण मैं तेरे दर ते आके टह पिया। और रब दा एक बिरद है कि जो शरण आवै तिस कंठ लावै, ये बिरद स्वामी संदा, जेड़ा भी व्यक्ति रब दी शरण विच आया
उसनों रब ने चुक लिया, उन्हों अपने गले ना ला लिया। वो रब वाला बिरद संसार विच गुरु दे रूप विच वरते हैं, यही बिरद गुरु दा है भाई। जेड़ा शरण आउंदा है गुरु जी उसनों चुक लैंदे ने। जो शरण आवै तिस कंठ लावै, ये बिरद स्वामी संदा। गुरु जी भी उन्हों चुक लैंदे ने, गले ना ला लैंदे ने, उहदी बांह फड़ लैंदे ने, उहदा दुख नवार दे ने। कृपा गोबिंद भई मिलियो नाम आधार, जदों गोबिंद दी कृपा होएगी, जदों परमेश्वर दा ये कृपा दा वरतारा वरतेगा ते पता है की मिलदा है। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है। सिख रोज अरदास विच मंगदा है, बहुत कुछ मंगया है, केस विसा भरोसा बड़िया मंगा कीतियां ने। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसा दान, भरोसा दान, पर एक गल विशेष करके मंगी जदों आख्या दाना सिर दान नाम दान। इन्हां दाना तो वड्डा दान है वो तेरे नाम दा दान है। तो जदों रब त्रुटदा है तो नाम साड़ी झोली विच पाउंदा है। ये तो असीं रोज़ पढ़ते हैं ना कि जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। हर बंदा ना बाणी पढ़ सकता, ना सिमरन कर सकता, ना रब की इबादत कर सकता। ये तो जदों वो मालक त्रुटदा इस करके वो कोल आके कहन की लोड़ है कि विसर नाही दातार अपना नाम दे, गुण गावा दिन रात नानक चाओ यह मिलियो नाम आधार। दुलाभ जन्म सफल नानक, भाव उतार पार। हे परमात्मा मैनू इस भव सागर तो पार कर दे, मैनू इस संसार समुद्र तो पार कर दे। ये दुर्लभ जन्म है पर सफल नानक ये सफल हो सकता है। गुरु अर्जन देव पिता महाराज वड्डे सतगुरां दा नाम दर्ज करके सानू उपदेश करदे ने कि जे तू अरदास करें, जे तू बेनती करें, जे तू ये कहें कि ऐसो दान देहो जी संतो जात जियो बलहार, मैं तुहाडे तो सदके जाना कुरबान जाना, तो फिर ये जेड़ा दुर्लभ जन्म है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, अजाई नहीं जाएगा। इनू काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनू गवा नहीं सकणगे भाई। तू किसी दुनिया की पढ़ाई दे भुलेखे विच तू गवाचेगा नहीं भाई, तेनू समझ आ जाएगी कि असल विच जीवन का प्रयोजन जेड़ा है ये दुनिया के सर्टिफिकेट कट्ठे करना नहीं है। ये सर्टिफिकेट उन्हां दी मुबारक होए ने जिहड़े प्रिंसीपल धर्मानंद सिंह जी वर्गे बने ने, जिन्हां ने धर्म दीआं गल्लां कीतीआं ने, जिन्हां ने धर्म जीवन विच कमाया, जिन्हां ने हजारां हजारां लोकां नूं भाई सत दिता है, संतोख दिता है, दया धर्म धीरज वर्गे शुभ गुण दृढ़ कराए ने। पर जे आप ही हंकार दे विच डुब गए तो आप किसी का भला नहीं कर सकांगे। आओ जतन करिए इन्हां पंज वकारां दी गल सानू समझ आ सके। किसी दे नाल झगड़ा करन दी लोड़ नहीं है, जरूरत इस गल दी है कि असी अपनी घर की रास अपनी घर की पूंजी बचा सकते हैं, कि असी आप इन्हां विशे वकारा तो आप बच सकते हैं। ये नाना होवे कि रास बरानी राखते खाया घर का खेत, लोकां दियां राखियां करन दियां गल्लां कर दे
अपनी खेती उजाड़ के बह जाइए। सानू साडे बजुर्गां ने कहा सी कि गठड़ी अपनी संभाल, तैनू होर नाल की, तैनू चोर नाल की। तू अपनी पूंजी नू संभाल के रख, तू अपना जीवन सवार। हाँ, तेरियां गल्लां नाल किसे दा भला होवे ना होवे, पर जे तेरे जीवन चो खुशबू आ गई ना, ते बड़े लोकां दा भला हो जाएगा। इतने शब्द प्रवान करना जी। भुल्लां मेरियां ने खिमा कर देनियां, उपदेश सतगुरु जी का है अपने पल्ले बन लैना। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।